हम सब लोग यहाँ बैठे हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब कोविड तो दुनिया में आया, लेकिन कोविड के मैनेजमेंट से लड़ते लड़ते जूझते जूझते आज भी अमेरिका जैसा देश आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी मुसीबत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये सभी देश आर्थिक दृष्टि से समस्याओं के साथ हैं। क्यों? जब कोरोना आया तो उस समय जब गंभीर फैसले लेने थे तो उन्होंने उस समय देव नियम बांटा और उसके कारण देश आर्थिक दृष्टि से मुसीबत में पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे और उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में देकर और 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा कर आज सामूहिक विकास का काम शुरू किया। जहां दुनिया के में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वहां भारत ने इन्फ्लेशन रेट को काबू रखा है और उसके साथ साथ जीडीपी में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत का आर्थिक दृष्टि देखने को हमको मिलती है। 10वीं नंबर की इकॉनमी आज 5वीं नंबर की इकॉनमी हो गई। ब्रिटेन को हमने पछाड़ दिया, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया उसको हमने पछाड़ दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यानी ऑटोमोबाइल मार्केट में हम दुनिया में 3रे नंबर पर खड़े हो गए, जापान को ओवरटेक कर लिया। अब ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब गाड़ियों को परचेज। गाड़ियों का परचेज कौन करता है? जब जेब में पैसा हो। यानी आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आज भारत छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और मजबूत आर्थिक नीति पर खड़ा। सब जगह मंदी है दुनिया में, कोरोना से जूझने की स्थिति लिखी है। अमेरिका का वैक्सीनेशन परसेंटेज 76% है और इंडिया, भारत 220 करोड़ डबल डोज लगा करके आज भारत 100% वैक्सीनेशन करके खड़ा है। ये परिवर्तन है।